हर रहे होंगे, जैसे आज आप लोग देख पा रहे हैं, आज हर की पौड़ी हरिद्वार फिर से मैं आ गया हूँ और काफ़ी अच्छी दृश्य देखने को आज आ रहा है। जैसे श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत कमी हुई है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग का अपडेट देने वाला हूँ हर की पौड़ी से संबंधित जुड़ी जानकारी। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या अपडेट है, वो आप लोगों को वीडियो के अंदर जरूर मिल जाएगा। दोस्तों अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर, जिससे क्या आप लोगों के पास अपडेट महाकुंभ से संबंधित मिलती रहे। दोस्तों जैसे कि 11 मार्च महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान था, और शाही स्नान में क्या क्या रूल्स थे, वही रूल्स आने वाले शाही स्नान में होने वाले हैं। जैसे उसमें था कि भाई 7 बजे तक सामान्य श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं, उसके बाद नागा साधु स्नान करेंगे, यानी हम हर की पौड़ी पे स्नान नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे घाट है उसमें, बाकी सब श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। केवल हर की पौड़ी को 7 बजे से पहले खाली करवा दिया गया था, जैसे मेरे लास्ट वीडियो में और जैसे महाशिवरात्रि में 11 तारीख को हुआ। और दोस्तों पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप हरिद्वार आते हैं तो यहाँ पे ऐसे कोई शक्ति नहीं है और ऐसा कोई यहाँ पे रूल्स भी नहीं है, हम पहले की तरह आ और जा सकते हैं। मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा महाकुंभ से संबंधित, तो वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को कुंभ से संबंधित जानकारी मिलती रहे कि एक घाट पे कितने सारे सैनिटाइजर बूथ लगे हुए हैं। हम यहाँ से आसानी से अपनी हैंड हर 2 मिनट हर 5 मिनट में हम सैनिटाइज कर सकते हैं। शाही स्नान की डेट इस प्रकार है, 11 मार्च वाले शाही स्नान हो चुका है, 12 अप्रैल 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को शाही स्नान रखा गया है।